नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आज मैं आ गया हूँ हुमायूं के मकबरे को देखने। हुमायूं का मकबरा आगरा में स्थित ताजमहल की प्रेरणा बना। हुमायूं के मकबरे को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। हुमायूं की कब्र शाही परिवार का पहला ऐसा शानदार मकबरा है जो मुगल वास्तुशिल्प का पर्याय बन गया। इस मकबरे ने भव्यता के ऐसे मापदंड स्थापित किए जो आगे चलकर शाही वास्तुशिल्प की प्रेरणा स्रोत और विशिष्टता बन गई। हुमायूं के मकबरे को देखने का टिकट ₹35 है। यह मकबरा सूर्योदय से सूर्यास्त तक और उसके बाद रात 9 बजे तक खुला रहता है। मकबरे तक जाने के लिए 3 नज़दीकी मेट्रो स्टेशन हैं, सराय कालेखां, जंगपुरा और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन। इन मेट्रो स्टेशन से मकबरे तक बैटरी रिक्शा से जा सकते हैं। इनका किराया ₹20 है। हुमायूं के मकबरे तक जाने का यह मुख्य पश्चिम प्रवेश द्वार है। यह दरवाजा 16 मीटर ऊंचा है। हुमायूं के मकबरे को बने हुए 450 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इसके आसपास का कुदरती नज़ारा अब बदल गया है। यमुना नदी जिसके किनारे पर यह मकबरा बना था अब न सिर्फ यहाँ से कोसों दूर पूर्व की तरफ बहने लगी है बल्कि उसका बहाव और जलस्थल भी कम हो गया है। हुमायूं के मकबरे को बनाने के लिए जो पत्थर इस्तेमाल हुए उन्हें इसी नदी के ज़रिए लाया गया था। पहले यात्री पास की अरब सराय में ठहरते थे। कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद हुमायूं अपनी बीवी और मात्र 40 सिपाहियों के साथ ईरान के साफाविद राज्य की तरफ कूच कर गया। कंदार की पहाड़ियों की दुष्कर यात्रा के बाद हुमायूं अपने काफिले के साथ हेरात पहुंचा। यहां से वो मशहद होते हुए ईरान के बादशाह शाह तहमस की राजधानी कजविन आया। बादशाह तहमस ने हुमायूं का खूब सत्कार किया और उसकी सहायता की। सन 1543 में अपने काफिले के साथ हुमायूं कंधार गया जिसके बाद उसने हिंदुस्तान का रुख किया। इस मकबरे का निर्माण हुमायूं के बेटे अकबर ने करवाया था। हिंदुस्तान में पहले से ही पत्थर का इस्तेमाल किया जाता रहा है। हुमायूं का मकबरा भी मजबूत भूरे पत्थर से बना है जिसे बाद में खूबसूरत लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से ढका गया है। इस मकबरे में इस्तेमाल किया गया संगमरमर राजस्थान और लाल पत्थर आगरा की खदानों से लाया गया था। हजारों फारसी और हिंदुस्तानी कारीगरों की मेहनत से यह यादगार स्मारक 8 सालों में तैयार हुआ था। इस मकबरे में बहुत सारी कब्रें हैं जो कि शाही परिवारों से संबंधित हैं। इस मकबरे के अहाते में एक और मकबरा है जिसे ईसा खान का मकबरा कहते हैं। तो आइए चलते हैं वहाँ पर।
ईसा खान नियाजी शेर शाह सूरी के दरबार में अमीर थे। इस अहाते के भीतर उनका मकबरा और एक मस्जिद है। यह मकबरा हुमायूं के मकबरे से 20 वर्ष पहले का है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस मकबरे के अहाते में एक पूरा गांव आबाद था। हुमायूं के मकबरे की यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। तो दोबारा मिलूंगा एक और नई प्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।